जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। हमारे अन्न का प्रभाव हमारे मन पर जरूर पड़ता है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि वेजिटेरियन डाइट हमारे लिए क्यों फायदेमंद है और नॉन वेजिटेरियन डाइट हमारे लिए क्यों नुकसानदेह है। इसमें अगर हम ये जान लें कि वेजिटेरियन डाइट में आपको विटामिन्स, मिनरल्स और सारे के सारे होलसम मील होता है वेजिटेरियन डाइट, और उतना ही हानिकारक नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है, क्योंकि वो आप एक व्यक्ति को मार कर खाते हैं, वो मॉरली भी रॉन्ग है, एथिकली भी रॉन्ग है, और साथ ही साथ आपके हेल्थ के लिए भी खराब है। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति। ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में भाई जी। थैंक यू प्रोफेसर साहब। जब हम बात कर रहे थे वेजिटेरियन डाइट की, हमने पिछली कड़ियों में भी इसके बारे में जाना कि वेजिटेरियन डाइट के कितने सारे फायदे हैं। अब उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वेजिटेरियन डाइट खाना थोड़ा सा बोरिंग सा भी हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं होती है, मसाले नहीं होते हैं, इट्स वेरी बोरिंग, ऐसे भी कहते हैं लोग। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें स्वाद की कमी होती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वेजिटेरियन खाना स्वादिष्ट नहीं होता। वेजिटेरियन खाने में हालांकि इतनी वेराइटीज़ हैं एक से एक बढ़कर। आप भारत में ही देख लो, वेजिटेरियन खाने के हर स्टेट में अलग अलग किस्म के व्यंजन हैं, और इतनी ज़्यादा डिशेज हैं कि आप गिनती करने लगो तो बुक्स की बुक्स बन जाएँ कितनी तरह के वेजिटेरियन डाइट्स की वेराइटी है जी। और जहाँ तक स्वाद का सवाल है तो स्वाद तो केवल जीभ का है, केवल एक सेकंड या कुछ क्षणों का स्वाद जीभ तक रहता है, उसके बाद तो भोजन पेट में ही जाता है, चाहे पेट को कुछ पता नहीं चलता कि वो मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कितना टेस्टी है। अगर नॉन वेज खाना ज़्यादा टेस्टी हो भी, हालांकि मीट का कोई टेस्ट नहीं होता, उसको भी उसी तरह से टेस्टी बनाया जाता है जिस तरह से वेजिटेबल्स को टेस्टी बनाया जाता है, जिस तरह से हम दालों को टेस्टी बनाते हैं मसालों से, उसको तल के, उसको भून के, उसको तड़का लगा के। तो वो मसालों का टेस्ट होता है, वो नमक का टेस्ट होता है, वो मिर्च का टेस्ट होता है, वो टेस्ट मीट का नहीं होता। इसलिए ये सोचना कि नॉन वेज ज़्यादा टेस्टी है और वेजिटेरियन टेस्टी नहीं है, ये जस्ट एक भ्रांति है, ये मिथ है। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं मांस की, जो 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 निकलता है उनके बॉडी से एनिमल्स के, वो एग्जैक्टली है क्या? वैसे तो वो बॉडी मास है, लेकिन आपकी भाषा में, आपकी परिभाषा में मास क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है कि जिस मांस को, जिस जीव जंतु को हम मारते हैं और जिस मांस का हम भक्षण करते हैं, जिसको हम अपने पेट में ले जाते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है, क्या रियलिटी है? अनायका जी, आप जानते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना होता है और इसमें एक आत्मा निवास करती है, चाहे हम हैं, इंसान हैं या दूसरे प्राणी हैं, सब में एक आत्मा है। अब जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर निर्जीव बन जाता है, और उस शरीर को डेड बॉडी कहते हैं, मुर्दा कहते हैं, उसे लाश कहा जाता है, उसे शव कहा जाता है, चाहे वो इंसान का हो या किसी और जीव जंतु का। और उस लाश को, उस डेड बॉडी को कोई टच भी करना नहीं चाहता। अगर गलती से टच हो भी जाए, उसको अछूत माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। अगर गलती से टच कर लें तो लोग नहाते हैं। जहां उस डेड बॉडी को रखा जाता है, जिस घर में, वहां खाना बनाना तो दूर, वहां कोई पानी पीना भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो लाश है, वो डेड बॉडी है, उससे आत्मा जब निकल जाती है तो ये लाश का गुण है, बॉडी डेड बॉडी की क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी सड़ने लगती है, और उसमें इस तरह के केमिकल डिकम्पोजिशन होने लगती है कि वो धीरे 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 उसमें जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो बड़े बड़े
जीवाणु बनने लग जाते हैं, बड़े बड़े कीड़े बनने लग जाते हैं। अगर उस लाश को जल्दी से ठिकाने ना लगाएं तो वो लाश अनेक तरह की बीमारियां पैदा कर देती है, महामारी तक फैल सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी कहीं जब कोई इकट्ठी डेथ्स होती हैं भूकंप में या तूफान में बाढ़ में, तो उनको जल्दी से जल्दी उन लाशों को ठिकाने लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और बहुत जल्दी उनकी दुर्गंध चारों तरफ फैल जाती हैं। इसलिए उस लाश को अछूत माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। अब आप देखिए कि किस तरह की विडंबना है कि उसी लाश को, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, उसी लाश को हम अपने अंदर ले जाते हैं। और अंदर ले जाने के लिए सबसे पहले उसको हाथों से तो छूते ही छूते हैं, हाथों के छूने के बाद उसको जीभ से भी टच कराते हैं, और जीभ से टच कराना ही नहीं बल्कि दांतों के द्वारा उसको चबाते भी हैं, उसी लाश को, उसी मुर्दे को, और उसको अपने पेट में रख देते हैं। अब हम अपने शरीर को चाहे कितने भी परफ्यूम लगा दें, कितनी भी इसकी सजावट कर दें, लेकिन जिस पेट में लाश रखी गई हो और लाश के टुकड़े टुकड़े करके रखे गए हों, क्या वो शरीर पवित्र बन सकता है? वो शरीर भी अशुद्ध है। और इस तरह जो व्यक्ति मांसाहार करता है, वो मांसाहार ही नहीं कर रहा, वो एक तरह से शवाहार कर रहा है, एक शव को अपने अंदर ले जा रहा है, एक तरह से लाशाहार कर रहा है, एक लाश अपने अंदर लेके जा रहा है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको शमशान भूमि में ले जाते हैं, जहां उसकी चिता को आग लगाई जाती है। इसी तरह जिस जीव जंतु को हत्या की गई, उसे मारा गया, उसको अगर हम अपनी रसोई घर में ले जाते हैं पकाने के लिए, तो क्या वो रसोई घर आपकी शमशान नहीं बन गई? क्या वो रसोई आपका कब्रिस्तान नहीं बन गया? और फिर वहाँ पर आपने उसको पकाया और उसको खाया और पेट में ले गए, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे उसका पूरा का पूरा शरीर इम्प्योर नहीं बन गया, अशुद्ध नहीं बन गया जी। वो नहाने से तो दूर, वो तो कभी भी साफ नहीं हो सकता। तो इस तरह जो आपने प्रश्न उठाया कि ये मांसाहार है क्या, मांसाहार वास्तविकता में शवाहार है, एक मुर्दे को खाने के बराबर है। हम मुर्दे को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है जी। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं मांसाहार की, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज एनिमल्स के अंदर भी देखिए, बिल्ली चूहे को खाती है और कुत्ता बिल्ली को खाता है, जो भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो एनिमल अपने से छोटे एनिमल, अपने से कम ताकतवर एनिमल को खा लेते हैं सर्वाइवल के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें शौक है, सर्वाइवल के लिए, ताकि वो भी ज़िंदा रह सके। तो ऐसे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा फिट कौन है आज, सबसे ज़्यादा ऊँचे पायदान पर कौन है आज? हम हैं, ह्यूमन बींग्स। तो हम अगर एनिमल्स को खा रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? वी आर प्रूविंग दैट सर्वाइवल इज फॉर द फिटेस्ट। अनायका जी, जहाँ तक बात आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कही, जो डार्विन की थ्योरी रही, ये एक जंगल का रूल है कि जंगल में ऐसा होता है कि ज़्यादा ताकतवर जानवर अपने से कम ताकतवर जानवर को खा लेता है। जैसे आपने कहा कि चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ते को शेर खा जाता है, इस तरह एक दूसरे को शिकारी जानवर वहाँ रहते हैं। लेकिन ये जंगल की थ्योरी है, हम जंगली मानव नहीं हैं, हम जंगली नहीं बल्कि सभ्य इंसान हैं, और इंसान सब प्राणियों में सर्वोच्च है, जो ऐसा आपने कहा सबसे ऊंच है। तो उसकी सर्वोच्चता, उसकी ऊंचाई, उसकी महानता ये नहीं है कि वो अपने से कमज़ोर जानवरों को, जीव जंतुओं को खाए। उसकी महानता इसमें है कि उसके अंदर कितनी दया भाव है, कितनी उसके अंदर कंपैशन है, कितना प्रेम है, कितनी करुणा है। अगर वो उसके पास है तब वो सब प्राणियों में महान है, सर्वोच्च है, सबसे समझदार है। जहाँ तक आपने बात की कि जंगल में ये ऐसा होता है, एक दूसरे के शिकार होता है, एक दूसरे को खाया जाता है, तो अनायका जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंगल में सभी जानवर एक दूसरे का शिकार नहीं करते। जंगल में या ऐसे भी घरों में भी जो पालतू जानवर हैं, सारे शिकारी नहीं होते, सारे मीट भक्षी नहीं होते। आप देख लीजिए, घोड़ा है, हाथी है, खच्चर है, भेड़ है, बकरी है, मुर्गे हैं, बानर है, ये कहाँ मांसाहारी है, ये कहाँ दूसरे को खा रहे हैं, दूसरे का शिकार कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी तुलना उन जानवरों से करें कि जो शिकार कर रहे हैं और वो सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक समझदारी नहीं होगी। और दूसरी बात,
अगर कुछ जानवर ऐसे हैं जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे चलकर दूसरे को खा रहे हैं, तो हम इंसान हैं, हम सबसे सर्वोच्च हैं, हमें क्या उन शिकारी जानवरों की नकल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमें तो ऐसे मापदंड अपने जीवन के बनाने चाहिए, इतनी ऊंचाई नैतिकता की अपने जीवन में लानी चाहिए, जिससे ये कहावत जो है कि इंसान सब प्राणियों से सर्वोच्च है, वो असली में ही सिद्ध हो। अगर हमने भी वही जंगली जानवरों वाला काम किया तो जंगली दरिंदों में और भेड़िए, एक जंगली भेड़िए में और एक इंसान में क्या फर्क हुआ। जी प्रोफेसर साहब, एक और चीज मेरे दिमाग में आई, कई बार ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं उनको ऐसा हम सोचते हैं कि वो अगर उनको अगर हम मार के खा रहे हैं, उनको मार इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको कर्मों का हिसाब किताब भी कोई चीज़ होती है। आज अगर उनके कर्म सही नहीं है तो वो दुख लेकर फिर मर रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? ये उनके कर्म बुरे थे इसीलिए वो मर रहे हैं, इसमें कुछ गलत है? ये जो आपने बात उठाई है ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। ये तो वैसे है जैसे लोग कहते हैं कि जो शैतान होता है वो भी अपनी बात रखने के लिए धार्मिक पुस्तकों का सहारा लेता है, तो ये वैसी बात है। कर्म फिलॉसफी एक बहुत ही गहरी बात है कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें सुख के रूप में मिलता है, अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें दुख के रूप में मिलता है। लेकिन ये थ्योरी हमारे लिए है। हम ये थ्योरी अगर दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, जानवरों के ऊपर लगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्होंने भी कोई गलत काम किया होगा इसलिए उनके ऊपर अगर तलवार चल पड़ी, उनकी गर्दन काट दी गई, उनको मीट बना के परोस दिया गया, तो ये सोचना समझदारी नहीं होगी। आप सोचिए, कभी जज के पास कोई जाए कोर्ट में और कोर्ट में जाके कहे कि इस व्यक्ति को मैंने मर्डर किया है, तो जज साहब ये मर्डर इसके कर्म के थ्योरी के हिसाब से इसने कुछ गलत किया था, मैं तो केवल उसको सजा देने के निमित्त हूँ और आप मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे, तो क्या जज उसे छोड़ देगा? क्या अपना पिता कभी अपने बच्चे को, मान लो सड़क से गुजर रहा है और तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा है, वो उसको रोके नहीं और कहे जी अब इसके कर्मों का हिसाब होगा, अगर ये ट्रक के नीचे आता है तो आने दो, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कभी कोई आदमी अपने दोस्त को इसलिए मार देगा कि इसके कर्मों का हिसाब किताब है, अगर ये मर रहा है तो इसे मरने दो, मैं क्या बचाऊं? नहीं, ये सोचना बिल्कुल ही बेसमझी की बात होगी। कर्म थ्योरी हमारे लिए है, हम अपने लिए सोचें कि अगर मैं गलत करूंगा, अगर मैं उसे किसी की हत्या करूंगा अपने भोजन के लिए, तो उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, ना कि उस जानवर को। उस जानवर को जो भी उसका रहा होगा, जिसके हिसाब से उसको ये हुआ, वो उसकी बात है। एक बार मैं कहीं, ये बड़ा अच्छा फेसबुक पे एक किसी ने इमेज भेजी, उसमें एक जानवर को मार रहा था कसाई, तो जानवर हंसने लग गया। कसाई ने मुझसे पूछ लिया कि आप क्यों हंस रहे हो, मैं तो तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है तुमने मर जाना है। तो वो जानवर कहने लगा उस कसाई को कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी पीड़ा उठानी पड़ रही है कि मुझे मरना पड़ रहा है, मेरी हत्या की जा रही है, और तुम तो मुझे मार रहे हो, तुम्हें तुम्हारे साथ क्या होगा, ये सोच के मुझे हंसी आ रही है। तो ये कर्म की सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार अगर हम, भगवान तो ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी किसी को कष्ट देने के बारे में सोचते तक भी हैं, वो भी आपका पाप बनता है। और हम अपने लिए सोच लें कि हमें अगर कोई सुई भी चुभाता है कितना दर्द होता है, हमें कोई थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दे तब भी हम कितने गुस्से में आ जाते हैं, कितनी पीड़ा हमें होती है, और उसे हम सुई तो क्या कितनी यातना दे दे के मार रहे हैं। आप देखिए आज जो मीट इंडस्ट्री है, किस तरह से दुनिया भर में जानवरों को अलग अलग किस्म से, इन्हीं एक है कि सिंपल तरीके से उन्हें मारना, एक है कि उनको पीड़ा पहुंचाकर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उस मीट को संभाल के रखा जा सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इतनी यातनाएं उन जानवरों को दी जाती हैं। तो कर्म सिद्धांत अगर उस जानवर के ऊपर लग रहा है तो हमें सोचना चाहिए वो मेरे ऊपर भी लगेगा, जब मुझे उसकी पीड़ा उठानी पड़ेगी तब क्या होगा, जब उस दुष्चक्र में मैं फंसूंगा, जो कष्ट मैंने उसे दिए तो वो कष्ट मुझे भी उठाने पड़ेंगे। किसी ने मास की बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी है,
मास, माम प्लस स, मेरा वो, मतलब जो खाने जिसे मैं खा रहा हूँ उसकी तरह मेरा हाल होगा, जिसको मैंने मारा वैसा ही मेरे साथ होगा, मेरा अपना ही भोजन जन्म जन्मांतर तक मेरा ही काल बनकर मुझे हिंसा के चक्कर में डालेगा, मुझे कई तरह की तकलीफें देगा और मेरे पुण्य को नष्ट करेगा, मेरा ही भोजन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा, ये कर्म के सिद्धांत मेरे लिए है। जी बिल्कुल, अच्छी बहुत खूबसूरत बात कही आपने भाई जी। कहीं ना कहीं हम जब सोचते हैं कि हम मांसाहार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम किसी व्यक्ति की जान लेकर उसके अंदर से सारी की सारी शक्ति निचोड़ कर फिर हम खाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम शक्तिशाली बन जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक और बात मेरे दिमाग में आई प्रोफेसर साहब, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा गया है कि इतिहास में भी कि जो लोग थे जो बड़े बड़े राज करने वाली कंट्रीज थी वो ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन थे और नॉन वेजिटेरियन जो राज कर रहे थे जो लोग वो लोग वेजिटेरियन से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ऐसा कहा जाता है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल ही सही नहीं है। किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री को इसलिए जीत प्राप्त की या उसके ऊपर राज्य किया कि वो नॉनवेज खाते थे, वो ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने दूसरे देश को अपने कब्जे में ले लिया, ये एक मिथ्या है, ये सच्चाई पे आधारित नहीं है। आप देखते हैं कि आज के ज़माने में जो युद्ध होते हैं किसी देश की जय और पराजय उसके बाहुबल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कितनी लेटेस्ट साइंस की टेक्नोलॉजी वो हथियार बनाने में यूज़ करता है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि कोई देश ज़्यादा ताकतवर है। अब आप सेकेंड वर्ल्ड वार की बात ले लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने स्टार्टिंग में फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी के लोग ज़्यादा मांस खाते थे और फ्रांस के लोग कम मांस खाते थे, इसको इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसका तो अलग अलग कारण है। या भारत में भी आप देख लीजिए, मुगल जब साम्राज्य था तो यहाँ मराठे लोग, हमारे जाट लोग, राजपूत उनको चैलेंज करते रहते थे, उनसे टक्कर लेते रहते थे और कई बार उनको हरा भी देते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुग़ल ज़्यादा मीट खाते थे, ज़्यादा नॉनवेज खाते थे इसलिए वो ज़्यादा ताकतवर थे और हमारे लोग कम खाते थे इसलिए वो हार जाते थे, इसको इससे तुलना करना तो कभी भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। कई कारण हैं देश की जीत या हार के, उसमें खाने से उसको जोड़ा नहीं जा सकता। हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, मोहम्मद गजनवी ने हमला किया, मोहम्मद गौरी ने हमला किया और भी कई मुग़लों ने राज किया, तो उसका कारण ये था कि यहाँ के लोग कमज़ोर उस रूप में नहीं थे शारीरिक रूप में, बल्कि वो मानसिक रूप से ऐसे कमज़ोर थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, आपस में उनमें एकता नहीं थी, इसी कारण उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट उठा के लगा के हमें लड़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वेजिटेरियन कंट्री हैं इसलिए हमें उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसको उसके साथ जोड़ना मैं कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर साहब। कई बार ऐसा होता है जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन बनने की, ऐसा भी सुना गया है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि नॉनवेज आजकल फैशन बन गया है, नॉनवेज जो खा रहे हैं वो दे आर अपडेटेड विद द मार्केट और उनको ऐसा कहा जाता है कि उनकी लाइफस्टाइल हाई है और जो वेजिटेरियन है उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लो है, ये किस हद तक सही है? ये भी किसी भी हद तक सही नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं नॉनवेज खा के मैं ज़्यादा फैशनेबल हूँ, ज़्यादा मॉडर्न हूँ, हाई सोसाइटी का आदमी हूँ, तो ऐसी हाई सोसाइटी हमें नहीं चाहिए, ऐसा फैशन हमें नहीं चाहिए जिसमें हम दूसरे को जीने का अधिकार छीन रहे हैं, जिसमें हम दया है ही नहीं कहीं पर। ऐसा व्यक्ति अगर हाई सोसाइटी को अपना आपको मानता है तो वो तो अपने आप को जस्ट एक धोखा देने वाली बात है। दुनिया के जितने भी बुद्धिमान और बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, हमारे कंट्री में भी हुए हैं, वो ज़्यादातर वेजिटेरियन थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन लाई हैं, बड़ी क्रांतिकारी काम किए हैं। आप साइंस के क्षेत्र में देख लीजिए, फिलॉसफी के क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, बड़े अच्छे अच्छे इवन एक्टर्स बॉलीवुड में अच्छे अच्छे एक्टर वेजिटेरियन हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेचारे ओल्ड फैशनड हैं। अमिताभ बच्चन वेजिटेरियन हैं, अपने महात्मा गांधी वेजिटेरियन हैं, अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम
जो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे और बहुत बड़े इंडिया के साइंटिस्ट हैं, वो वेजिटेरियन हैं। इवन इतिहास में भी आप देख लीजिए, महात्मा गांधी वेजिटेरियन रहे हैं, न्यूटन साइंटिस्ट, माइक्रोनी सब वेजिटेरियन हुए, बड़े बड़े फिलोसफर्स एरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो सब वेजिटेरियन हुए हैं। इंडिया के आदि गुरु शंकराचार्य जी, महात्मा बुद्ध सब वेजिटेरियन हुए हैं। इसलिए आप ये कहें कि ये फैशन है और ऐसा है, ये कहना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, ऐसा भी होता है कि कई बार जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, ऐसा भी कहा है कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान करते हैं, वैसे लोग ही वेजिटेरियन खाना खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है दे आर वेरी डिफरेंट। मतलब कई बार ऐसे कहा जाता है कि वो ज़्यादा अपडेटेड है और ये लोग जो है ये ज़्यादा धार्मिक है, ऐसा भी सही है? धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, उससे भी ऊपर है आध्यात्मिक होना, और उससे भी ऊपर है कि आप एक इंसान हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे आप धार्मिक हैं या नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हर व्यक्ति मानता है कि मैं एक इंसान हूँ। चाहे हम धार्मिक हों या ना हों, हम आध्यात्मिक हों या ना हों, लेकिन हम इंसान तो हैं। और इंसान होने का सबसे बड़ा फर्ज ये है कि इंसान सब प्राणियों में सबसे ऊँच है और सब की रक्षा करना उसकी जिम्मेवारी है। अगर वो अपने भोजन के लिए दूसरे को जीने के अधिकार से वंचित कर रहा है तो मैं कहना चाहूँगा ये इंसानियत नहीं है, ये पूरी की पूरी हवानियत है, एक जंगली दरिंदे वाला काम है कि हम अपने भोजन के लिए, अपने दो टाइम की, दो वक्त की रोटी के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं और किसी की डेड बॉडी को अपने पेट में लेके जा रहे हैं। तो ये कभी भी स्वीकार करने वाली बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब आपने। इतनी सारी बातें हमने सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात हमने ये सीखी कि वेजिटेरियन डाइट अपने आप में एक होल मील है। जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, वो सिर्फ आध्यात्मिकता से जुड़ा नहीं है, वो मानवता से जुड़ा है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, उसके अंदर कई सारे फायदे हैं जिनके बारे में आज के पूरे एपिसोड में और हमने पिछले की कड़ियों में भी देखा। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वेजिटेरियन डाइट अपने आप में एक होल मील है, एक संपूर्ण आहार है। जब हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट के, उसके कितने सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप मानवता पर सीधा आघात कर रहे हैं। हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।